वेलकम बैक टू आवर चैनल। और हम लोगों ने इससे पहले भी एक वीडियो बनाया था मेकिंग का, कि मुंडी कैसे मेकिंग होती है। तो मुंडी हम भी हम बन के तैयार है। अभी हम इसका वीडियो कर रहे हैं रिव्यू के लिए, और हमने ले लिया है अभी। और ये काफ़ी पतला है, मुंडी का सारा पतला रहे तो ही अच्छा लगता है। और ये रोटी पाव चावल के साथ ही हमने को सर्व किया गया है घर के अंदर, और साथ में कांदा प्याज भी है। तो सबसे पहले हम पाव के साथ देखेंगे कि पाव के साथ कैसे लगता है। पाव के साथ हम लोग चखना चाहेंगे सिर्फ सालन मिर्च। पाव हमने ले लिए और सिर्फ सालन मिर्च ले लें। बहुत बेहतरीन है, बहुत ही बेहतरीन है, बिल्कुल पाए का मजा भी दे रहा है। और मुंडी का चिकनापन इसके अंदर क्लियरली मालूम पड़ा कि मुंडी का चिकनापन है। तो अभी हम गोश्त के साथ ट्राई करेंगे, मुंडी के गोश्त के साथ। पकड़े की मुंडी ये है और मैं लखन दही खाता हूँ। यह है मुंडी, मुंडी के गोश्त में रहता ही है थोड़ा बहुत इनमें चर्बी। ये मुंडी के गोश्त है और हम इसको जिम्मे से टूट नहीं रहता, क्योंकि मैंने हाथ में कमजोरी है इसके लिए टूट नहीं रहा था। तो मुंडी के गोश्त में भी इन्हें टेक्सचर भी है और जो है कला और बहुत अच्छा है। अभी हम रोटी के साथ ट्राई करते हैं। रोटी के साथ मेरे को वैसे सबसे अच्छा पाव के साथ लगता है। मेरा पर्सनल व्यू यही है कि पाव के साथ आप खाइए और पाव के साथ आपको अच्छा ही लगेगा। रोटी के साथ हम लेते हैं पहले इसका एक बाइट बिना इसके गोश्त के। रोटी चपाती से भी बिना गोश्त के बहुत अच्छा लगा। और रोटी चपाती अगर आप ले रहे हो तो आपको जो है प्याज लेना बहुत ज़रूरी है। अगर प्याज नहीं लेंगे तो पता ही चलेगा। प्याज और नींबू, नींबू पे निचोड़ दिया आप देख सकते हो। और गोश्त भी मैं ले रहा हूँ कि यहाँ पर देखो गोश्त आप देख सकते हो कि कितनी अच्छी तरह से गला हुआ है। मेरे इतने कमज़ोर हाथे भी ये टूट गए, तो ये जो है गोश्त बहुत अच्छी तरह से गला हुआ है। और इसको भी हम ट्राई करेंगे। लास्ट में हम ट्राई करेंगे चावल के साथ कि चावल के साथ कैसा लगता है। व्हाइट चावल के साथ इसलिए खा रहे हैं क्योंकि व्हाइट चावल के साथ मैं तो यानी सबसे अच्छा मुझे पाव से ही लगता है, लेकिन व्हाइट चावल के साथ भी लोग इसको खाते हैं। तो इसीलिए व्हाइट चावल से भी इनमें रिव्यू दे दूँगा इसका कि व्हाइट चावल से कैसा लगता है। कुछ देर से मिल चुका ही है वाइट रहे बिना गोश्त के, बिना गोश्त के भी काफ़ी अच्छा लग रहा है ये वाइट चावल के साथ। वाइट चावल ये प्लेन राइस जो होटलों में मंगाते हैं वही लिया है। और इसको गोश्त और प्याज के साथ भी ट्राई करेंगे कि ये प्याज और गोश्त के साथ कह सकते हैं। मैंने ये गोश्त प्याज और चावल तीनों भी ले लिए। प्याज के साथ भी अच्छा लगता है, लेकिन मेरा रिकमेंडेशन ये है कि पाव के साथ सबसे अच्छा पाव के साथ लगता है। तो पाव के साथ ही आप खाइए। अगर आप घर पर बनाते हो उसको तो पाव जरूर लाइए बेकरी से, और पाव ला के पाव के साथ ही खाइए। पाव के साथ ही खाइए तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन पाव के साथ सबसे अच्छा लगता है। और इसको जो है पाव के साथ खाना चाहिए। और मैं रिकमेंडेशन देता हूँ पाव के साथ खाइए। सालन बहुत अच्छा है क्योंकि ये जितना पतला होता है उतना ही अच्छा लगता है, और ये काफ़ी पतला है। तो वीडियो को बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और उसको पे लगे कन को भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद, शुक्रिया, बाय बाय।